हरे कृष्णा। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? थैंक यू। सो यहाँ पे हम मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आज यहाँ पे आने का मौका मिला है राधा कुंज बिहारी चरण कमलों में, और कि सारे मंदिर को परिवर्तित देख के एक तरह से नॉस्टैल्जिया आ रहा है। तो मैं जब यहाँ पे था तो मंदिर काफ़ी छोटा था, पर भगवान की कृपा बढ़ रही है, भगवान के प्रचार बढ़ रहा है, ये सब में आप सहभागी है, आप सब इसके निमित्त है। तो मैं आप सबकी थोड़ी सेवा करने में आज कोई सहभागी होने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा कि व्हेन वी आर लेफ्ट अलोन इन डूइंग द राइट थिंग, कि जब हम सही कार्य करने में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस विचार पर हम चर्चा करें। इसको मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड के रूप में यूज़ करूँगा, जो लिखूँगा मैं इंग्लिश में लिखूँगा पर उसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या है कि जो देवताएँ हैं, जो एक तरह असुर है और दूसरी ओर देवता है, उनमें युद्ध चल रहा है। जब युद्ध चल रहा है तो देवताओं का जो पक्ष है वो हावी हो रहा है, वो और शक्तिशाली हो रहा है। तो इसीलिए अभी वृत्रासुर अकेला है यहाँ पे, और उसके सामने उसके जो सारे सैनिक हैं वो भाग जा रहे हैं। तो अभी यह देख के पिछले अध्याय, यहाँ पे सारे देवता है आक्रमण कर रहे हैं, तो यह पिछले श्लोकों में बताया कि कैसे उसने सारे अपने सैनिकों को प्रेरणा देने का प्रयास किया, उनको जोश देने का प्रयास किया, उनको उत्साह देने का प्रयास किया, हौसला बढ़ाने का प्रयास किया, पर ये पला या न परा, वो एक तरह से पूरे भागने पे उनका मन पूरा भया था, विभ्रांत विचलित हो गए थे। ये ऐसा सामना करना नामुमकिन ही है ऐसे देवताओं से, इतने शक्तिशाली हैं। और जब वो भाग रहे थे तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो असुर है वह अधर्म कर रहे हैं। उनका अधर्म क्या है, रनिंग अवे, युद्धे चाप्य अपलायनम, ऐसे एक क्षत्रियो का धर्म बताया गया है, पर वह अधर्म कर रहे हैं भागने का। पर उस समय अभी क्या हो रहा है, एक तरह से अधर्म हो रहा है, वृत्रासुर एक तरह से अभी अकेले पड़ गए, कोई और युद्ध करने के लिए है ही नहीं वहां पे। तभी जो देवता है वो भी अधर्म कर रहे हैं। देवताओं का अधर्म क्या है कि वो जो भाग रहे हैं उनको आक्रमण कर रहे हैं। सो अटैकिंग द फ्लीइंग, जो भागने के लिए तैयार नहीं है उन पे वो आक्रमण कर रहे हैं। तो जो ऐसे हो रहा है, यहाँ से वो आक्रमण इन पे कर रहे हैं, तो भाग रहे हैं उन पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ये आक्रमण होते हुए देखकर कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कार्य कर रहे हैं और हम जो कार्य करने जा रहे हैं हमारे आंखों के सामने वो पूरा उध्वस्त हो रहा है। तो उस समय क्या करना है, हमें कैसे सामना करना है, कैसे प्रतिक्रिया रखनी है। तो वैसे ही हो गया है एक तरह से, श्री प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसे ही प्रसंग आ गया था। जब अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन का एक तरह से प्रक्रिया, उनकी लाइफ बायोग्राफी देखते हैं, तो 1922 में वे भक्तिसांत ठाकुर से मिले, 33 में उनका दीक्षा हुआ, और फिर लगभग 37 में उनके गुरु महाराज चले गए, तो भक्तिसांत ठाकुर डिसअपियर्ड। और उसके बाद में प्रभुपाद जी अपने आंखों के सामने देख रहे थे कि पूरा जो गौड़िया मठ था वो उद्ध्वस्त हो रहा था। वो गौड़िया मठ में जो उनके गुरु महाराज ने जो एक तरह से सेना बनाई थी, और वो सेना जो बनाई थी, सेना किसके थे, प्रचार के लिए सेना बनी हुई थी। पर यहाँ पे क्या हो गया था, तभी वही बहुत सी प्रॉपर्टी थी, और वो एक तरह से जब भक्तिसांत ठाकुर चले गए तो उनके बाद में कौन उनका सक्सेसर होगा, कौन उनका अनुया उनका उनके अनुयायियों में से कौन उनका जो आचार्य का पद लेगा, वो उसमें कुछ फैसला नहीं हो पाया। तो अभी क्या हुआ था कि साधारणतया जो कोई भी मठ होता हुआ करते थे, जो अगर कोई मठ होता था तो ट्रेडिशन था क्या कि एक मठाधिपति से अगला मठाधिपति आएगा। तो
जो एक आचार्य था तो उसके बाद में अगला आचार्य आएगा। पर तभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहली बार ऐसे कुछ किया था। अगर हम तभी के धार्मिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो चाहे वो ब्रह्मो समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, आर्य समाज हो, बंगाल में ये सब संस्थाएं थी, अभी उन सब में भी क्या प्रथा थी कि एक आचार्य जो है वो अगले आचार्य को नियुक्त करेगा। पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनके अनेक शिष्य जो है वह सब जिम्मेदारी लें, सब प्रचार करें। पर ऐसा जो जो अभी इस्कॉन में जो GBC है, वैसे उस समय जो उस प्रकार का उन्होंने कमेटी बनाया तो उसका कोई प्रीसिडेंट नहीं था धार्मिक संस्थाओं में। कि उस समय जो एक भारत में अंग्रेजों का राज था, तो जो अंग्रेजों ने सारे भारत भर में इंडियन रेलवेज बनाया था, और भारत इतना बड़ा था कि जो रेलवेज तभी बना था, जो इंडियन रेलवे उस समय का एक विश्व के इतिहास में एक इंडियन रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशनल मिराकल माना जाता है कि इतने बड़े देश को पूरे जगह पे वो उसको रेल बनाना। तो जो उसका जो मैनेजमेंट था ऑर्गेनाइज, उसके लिए उन्होंने ऐसे जोनल लीडर्स बनाए थे कि साउथ जोन के लिए ये व्यक्ति लीडर रहेगा, इस जोन के लिए एक लीडर रहेगा, इस जोन के लिए ये लीडर रहेगा, और इस तरह से सारा जो था उनमें सहयोग करके वो इंडियन रेलवे चल रहा था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वही मॉडल अपनाया, उन्होंने कहा कि वैसे ही हम हमारे संस्था के जोन बनाएंगे। पर एक तरह से उनका उनका जो देहांत है वो थोड़ा अकस्मात हो गया, तो पूरा सिस्टम बना नहीं था। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो कम से कम असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा है और यहाँ पे असुर भाग रहे हैं। पर जब प्रभुपाद जी देख रहे थे कि जो भक्ति सिद्धांत को चले गए, तो उसके बाद में जो ऐसे जोनल सिस्टम, एक सक्सेसर आचार्य नहीं है, एक बॉडी है, वो कैसे बनने वाला है, कैसे काम करने वाला है, वो उनको कुछ समझा नहीं। और वो करने की उनमें वो दृढ़ संकल्प उन्होंने नहीं रखा, बोला कि ये तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने उनमें से एक व्यक्ति को आचार्य बना दिया। पर क्या हो गया, कोई भी एक व्यक्ति अगर आचार्य बन जाता है तो फिर बाकी उनके गुरु भाई थे उनको कुछ वो जो स्वीकार नहीं हुआ, फिर उस व्यक्ति का आचार इतना अच्छा नहीं था, तो फिर वो क्या हो गया, यहाँ पे तो कम से कम असुर और देवता में युद्ध चल रहा है, पर वहाँ पे वो गौड़िया मठ के ही एक सेक्ट और दूसरा सेक्ट, उनमें युद्ध चालू हो गया, उनमें फाइटिंग हो गया। और तभी अभी प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे वृत्रासुर की परिस्थिति में नहीं थे, प्रभुपाद जी सेनापति नहीं थे, प्रभुपाद जी एक उस समय गृहस्थ थे, प्रभुपाद जी एक प्रचारक थे, उन्होंने मुंबई का मंदिर बनाने में मदद की थी, बाकी सेवा की थी। पर प्रभुपाद जी देख रहे थे, एक तरह से प्रभुपाद जी की परिस्थिति और विकट थी। अगर कोई सेनापति है, कोई राजा है, तो वह उसका तो अपने सेना पे कुछ प्रभाव होता है, पर एक तरह से प्रभुपाद जी तो एक गृहस्थ थे और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्यों में वो एक जूनियर गॉड ब्रदर थे। वो बहुत ही उनकी दीक्षा भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रचार 1916 से वगैरह चालू किया जोरों से, और उस लगभग उनसे 16 साल सीनियर उनके गॉड ब्रदर्स थे जिन्होंने 1916, 17, 18, 19 में जो दीक्षा ली थी, किसने संन्यास लिया था, और 16 साल नहीं लगभग 6-7 साल जो थे, हाँ 16 साल, 1933 में उन्होंने प्रभुपाद जी दीक्षा लिया, तो 16-17 साल उनसे जूनियर थे, वो जूनियर थे, तो अभी उनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और प्रभुपाद जी बोले, ये प्रभुपाद जी ने एक अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा ऑफरिंग में कहा, जैसे वृत्रासुर यहाँ पे कह रहे कि आपको युद्ध करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम ये मंदिर किसका होगा, ये मंदिर किसका होगा, ये सब हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हमें तो प्रचार करना चाहिए, ये हमारे गुरु महाराज की इच्छा थी, हम इस तरह से प्रॉपर्टी से क्यों आसक्त हो गए। अभी एक तरह से वो जो उनके गुरु भाई थे वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से आ सकते हैं, एक तरह से वो सोचते कि ये मंदिर होगा तो मंदिर के साथ हम प्रचार करेंगे। हाँ जरूरी है, जरूर है, वो सही हो सकता है बात कि मंदिर होगा तो प्रचार होगा, पर ये भी होता है कि एक सवाल है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इज द टेम्पल इज फॉर द कम्युनिटी और द कम्युनिटी इज फॉर द टेम्पल, दोनों एक दूसरे के लिए, कि जो मंदिर भक्तों के लिए है, भक्त मंदिर के लिए, एक तरह से हम कहते हैं दोनों भगवान के लिए है, मंदिर भगवान के लिए है, भक्त भगवान के लिए है, सब भगवान के सेवक ही है। पर
प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उन्होंने क्या किया, कोई मंदिर था ही नहीं, एक स्टोर फ्रंट था उसको मंदिर बना लिया और वहाँ पे प्रचार करने लगे। तो भक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भक्तों का समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रचार का भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही प्रभुपाद जी कहने का प्रयास कर रहे थे और कोई उनको सुन ही नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी तब ये गीत लिखते हैं, तो उस समय प्रभुपाद जी के एक तरह से जीवन में एक बहुत डार्क फेस था। वो सबका जीवन अगर हम देखते हैं तो सबके जीवन में कठिनाई आती है। नो वंस लाइफ स्टोरी इज अ हैप्पी स्टोरी, एवरीबडी हैज सम ट्रेजेडी इन देयर हिस्ट्री। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख होता ही है। तो क्या होता है कि कुछ लोग जब दुखी होते हैं वो दूसरे लोगों को दुखी करते हैं, कि व्हेन आई एम इरिटेट आई इरिटेट अदर्स। जब मैं विचलित होता हूँ दूसरों को विचलित करता हूँ। एंड व्हेन आई एम इरिटेटेड एंड आई इरिटेट अदर्स एंड अदर्स डोंट गेट इरिटेटेड देन आई गेट इवन मोर इरिटेटेड। कि मैं विचलित हूँ दूसरे को विचलित करता हूँ और दूसरा व्यक्ति विचलित नहीं होता है तो हम उससे और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। अभी हम दूसरे को विचलित क्यों कर रहे हैं? अच्छा कारण हो सकता है, बुरा कारण हो सकता है, कभी कभी उकसाने का प्रयास कर रहे हैं किसी को तो बुरा कारण है। पर अगर कोई कुछ गलत हो रहा है और हम उसको सही करने के बता रहे हैं कि अरे ये सब गलत हो रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम सब किसी जगह पर बैठे हैं और वहाँ पर भी पूर आने वाला है, तो हम सब लोगों को बोल रहे आपको यहाँ पर निकलना चाहिए, हम विचलित भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, पर कोई बात सुनता ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, हम और विचलित हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इरिटेट नहीं कर रहे पर लोगों को वार्न कर रहे हैं, पर वार्निंग मतलब क्या है, उसको भी एक तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो लोग आराम से बैठे हैं, बोले यहाँ पे मत बैठो आप, निकलो। तो क्या होता है, जब हम कुछ बात बोलते हैं और वो बात ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, और वो बात अगर कोई सुनता नहीं है तो उससे हम और विचलित हो जाते हैं। तो एक तरह से प्रभुपाद जी बहुत हताश हो गए थे। प्रभुपाद जी अपना एक तरह से उस समय अगर हम प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं तो मटीरियल डेड एंड आ गया था उनके जीवन में, कि जो अपना बिजनेस करके अपने गुरु महाराज के संस्था को वो आगे बढ़ाना चाहते थे, गुरु महाराज को सपोर्ट करना चाहते थे, उनका बिजनेस कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था। और फिर वो क्या देख रहे थे, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल भी डेड एंड आ रहा है, कि उनके सामने ही देख रहे हैं कि वो सारी जो संस्था है वो अभी टूट के बिखर रही है। अभी आप शायद जानते हैं रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो मेरे कई मित्र हैं जो यूक्रेन में हैं, तो बता रहे थे कि कभी कुछ कई भक्त हैं जो यूक्रेन सारा छोड़ के चले गए, तो अगर वो बॉर्डर में रहे थे जहाँ पे आक्रमण हो रहा था, तो एक दिन वो नॉर्मल जी रहे, कुछ दिनों के बाद उनको अपने घर छोड़ के, अपने सारी प्रॉपर्टी छोड़ के, जितना वो पैक कर सकते लगेज में लेके चले जाएंगे और कभी वापस आएंगे या नहीं ये भी पता नहीं उनको। तो अभी कुछ भक्त वो कनाडा में गए हैं, तो फिर कनाडा में वो कहीं अभी इमिग्रेशन करके कुछ नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी एक भक्त जो है अभी परम पूज्य राधानाथ महाराज वापस अभी यूक्रेन में गए हैं, यूक्रेन के उस पार्ट में जहाँ पे वो सेफ़ है, तो उनके साथ कुछ भक्त गए हैं वहाँ पे यूक्रेन में, तो बता रहे थे मुझे, मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि अभी ऐसे है कि हमारे आँखों के सामने एक फ्लरिशिंग शहर था। अभी हाँ अभी मैं पूना में एक कुछ महीनों के बाद आया हूं और मान लीजिए पूना है ही नहीं, पूरा पूना जो है एक तरह से कब्रिस्तान बन गया, पूरा उद्ध्वस्त हो गया। तो ये प्रोसेस करना ही बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे हमारे आंखों के सामने अगर कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है वो उद्ध्वस्त हो जाती है, तो उसको सहन करना, उसको प्रोसेस करना, क्या करना है क्या नहीं करना है वह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी प्रभुपाद जी ने क्या किया उसके बारे में हम जब हमें हल करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, हल के बारे में चर्चा करेंगे तब। पर यहाँ पे वृत्रासुर की ऐसी परिस्थिति हो गई, वृत्रासुर देवताओं पे आक्रमण करने के लिए आया है, और जब देवताओं पे आक्रमण करने के लिए आया है तो क्या हुआ है, वह उसकी सारी सेना बिखर गई है और दौड़ रही है। और यहाँ पे एक तरह से जो शब्द इस्तेमाल किया है वो भी दिलचस्प शब्द है, कि एवं शमसता धर्मम वचः
धर्म वचः। तो अभी कोई कहता आप असुर हो तो असुर ही अधर्मी है, तो ये धर्म वचः क्या करेगा? पर ऐसे नहीं है, जो एक धर्म के अनेक अर्थ होते हैं। धर्म का अनेक तरह से कहता है हार्मनी। हार्मनी मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक तरह से संयोग, व्हाट विल बी हार्मनी, टू हार्मोनाइज विद समथिंग। अच्छा आपको पता है हार्मनी क्या है? दो मैं समतोल इज बैलेंस नॉट हार्मनी। तो आई कैन फाइंड फॉल्ट्स विद द ट्रांसलेशंस यू गिव, आई कांट फाइंड द राइट ट्रांसलेशन। आप जो ट्रांसलेशन बताओगे मैं गलत कैसे बताऊंगा, पर सही ट्रांसलेशन ढूंढना पड़ेगा हमको। पर हार्मनी आप समझ जाएंगे, आनंद, ओके, सद्भाव। तो मैं गूगल से, गूगल में फॉल्ट निकालूंगा अभी। सद्भाव डजंट रियली वर्क, बट एनीवे हार्मनी तो मतलब समंजस, अंडरस्टैंडिंग। एनीवे थैंक यू फॉर योर सजेशंस। तो आपके, आप जो वचन बताया उससे आप समझ जाओगे क्या है। तो जो हार्मनी था अभी क्या है कि धर्म का अर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अभी गाड़ी चलाता है, कार चला रहा है, तो अभी ड्राइविंग में भी एक धर्म है। क्या धर्म है? कि धर्म का बेसिक मीनिंग क्या है कि हम जब हमारा अस्तित्व होता है तो हम अकेले नहीं जी रहे हैं, वी आर पार्ट्स ऑफ समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स। हम हमसे बड़े कोई ऐसा समूह है उसमें हम सहयोगी है। तो उस चीज से जो हमसे कुछ बड़ी चीज है उससे हम कुछ ले रहे हैं और उसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हम जब रास्ते पे चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो रास्ते की सुविधा ले रहे हैं। तो अगर रास्ते की सुविधा ले रहे हैं तो उसमें हमारा धर्म क्या है कि जो नियम है वहां पे उनका पालन करना। तो धर्म मतलब दैट एक्टिविटी विच कीप्स अस इन हार्मनी विथ द होल दैट वी आर बिलोंगिंग टू, जिसमें हम सहभागी हो रहे हैं उसमें हम किस तरह से समंजस के साथ, समन्वय के साथ, सद्भावना के साथ रह सकते हैं, उसको उसको धर्म कहते हैं। तो अगर कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए क्या हुआ, वो व्यक्ति वो ट्रैफिक के नियम को पालन नहीं कर रहा है, बहुत तेज चला रहा है गाड़ी, स्पीड लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? तो वो उससे डिसरप्शन हो जाएगा, उससे थोड़ा चीज़ें जो है, लोग व्यस्त हो जाएंगे, लोग विचलित हो जाएंगे, जो व्यवस्था है वो उद्ध्वस्त हो जाएगा उससे। एक बार एक व्यक्ति बहुत तेज से गाड़ी चला रहा था तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस ने उसको बोला तुमने स्पीड लिमिट देखा नहीं क्या? तो उसने कहा मैंने स्पीड लिमिट देखा, मैंने सिर्फ आपको नहीं देखा। अभी इसका मतलब क्या है कि लोग सोचते हैं कि कुछ गलत कार्य करना वो समस्या नहीं है, गलत कार्य करते समय पकड़ा जाना समस्या है। पर ऐसी बात नहीं है कि जो लोग है यह अभी स्पीड लिमिट में चलना यह हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, दूसरे के अच्छा है, सेफ और स्मूथ अच्छी तरह से ट्रैवल हो सकता है। तो अभी ऐसे नहीं है कि जो असुर है वो धर्म का पालन नहीं करते। तो मैं पिछले कई सालों से अमेरिका में काफ़ी प्रचार कर रहा हूँ, तो लगभग 6 महीने साल के अमेरिका में रहता हूँ। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ मैं, वहाँ पर प्रचार करता हूँ, तो वहाँ पर विद्यार्थियों से मिलते हैं। तो अभी क्या है कि दो चीज़ें, कोई शराब पीना बुरा है पर शराब पी के ड्राइविंग करना यह और बहुत बुरा है। तो कैसे है कि दो चीज़ें हैं, एक है मॉरल और दूसरा है लीगल। मॉरल मतलब क्या, नैतिक, लीगल मतलब कानूनी। तो ये दोनों है, ये इक्वल नहीं है। तो ड्रिंकिंग, शराब पीना ये नैतिक दृष्टि से गलत हो सकता है पर कानूनी दृष्टि से गलत नहीं है। आपको पीना है तो आप पी सकते हैं, पर मतलब क्या है, व्यक्ति अगर खुद को हानि पहुंचाना चाहता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, दैट इज नॉट द गवर्नमेंट्स जॉब। लोगों खुद को अविनाश करना है तो आप कर सकते हैं, पर अगर लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो क्या है, वो खुद को हिंसा, खुद को खतरे में नहीं डाल रहे, वो दूसरों को भी खतरे में डाल रहे, खुद की हानि नहीं कर रहे, दूसरों की भी हानि कर रहे, तो तभी गवर्नमेंट आएगी और हस्तक्षेप करेगी। तो एवरीथिंग मॉरल कैन नॉट बी मेड लीगल, सारी जो नैतिक चीज़ें हैं उनको कानूनी तरह से नहीं किया जा सकता है। महाभारत में अनुशासन पर्व में इस पर बहुत विस्तार रूप से वर्णन आता है कि कौन कौन सी अनैतिक चीज़ों को, वो उसको सही कार्य करना वो व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और कौन सी अनैतिक कार्य है
जिसको सही करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये मैं यहाँ पर कहने का उद्देश्य क्या है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि असुर जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे नहीं कि वो सारे अधर्मिक होते, उनका भी धर्म होता है। तो मुझे एक भक्त वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे कि वो जो है अगर युवक लोग शराब पीते हैं तो उनका भी एक ड्रिंकर्स कोड होता है कि शराब पीने का कोड होता है वो। अगर छः लोग कोई पार्टी को जा रहे हैं, छः बच्चे पार्टी को जा रहे हैं, एक कार में जा रहे हैं वो, और वो कार में जा रहे हैं वहाँ पे कार में ड्रिंक्स होने वाले हैं, तो तभी वो सब छः बच्चे जो होते हैं वो पहले ही मीटिंग लेके फैसला करते हैं कि आज की जन ये पार्टी है ना, ये तुम्हारे तपस्या का दिन है। तपस्या का दिन मतलब क्या है कि तुम ड्राइव करने वाले हमको, इसे तुम बिल्कुल शराब नहीं पियोगे, ये तुम्हारी तपस्या है। और अगली पार्टी होगी तभी मैं तपस्या करूँगा। बोलेंगे तो आप शराब पी रहे हैं तो शराब पी रहे हो, हाँ ठीक है, पर व्यक्ति शराब भी पी रहा है तभी क्या है उसको थोड़ा तो सेंस है कि शराब पी के ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। तो एक आप कह सकते हैं शराब पीना बुरी चीज़ है, पर शराब पी के अगर ड्राइविंग कर रहा है तो और बुरी चीज़ है। तो शराबी लोग होते हैं ऐसे नहीं कि हम ऑल पीपल हु ड्रिंक आर द सेम, सब लोग शराब पीते हैं वो एक समान नहीं होते। बहुत से लोग शराब पीते हैं पर ऐसे बहुत उनमें से बहुत कम लोग होते हैं इतना शराब पी लेंगे कि वो ड्राइविंग करेंगे और दूसरों को जोखिम में डालेंगे। तो वैसे ही अभी असुरों का, असुर कह सकते हैं आप अधर्मिक है, वो क्या कर रहे हैं, वो हिंसा करते हैं, वो यज्ञस्थली को उद्ध्वस्त करते हैं, वो देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं, हाँ वो एक तरह से अधर्म का कार्य कर रहे हैं वो। पर दूसरी तरह से असुर भी क्या है, वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रियों का धर्म होता है। धर्म क्या है, युद्धे चाप्य अपलायनम, कि आपको युद्ध से भागना नहीं चाहिए। और यह धर्म जो है वित्रासुर याद दिला रहा है अपने असुर सहयोगियों को, और वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो कैसे है, जो कॉवर्डिस कायरता होती है और उसका विरुद्ध होता है नॉर्मली हम करेज कहते हैं, का साहस। पर इसमें एक फर्क है कि करेज जो है किसी में साहस कैसे आता है, साहस जब आता है ऐसे नहीं है कि उसमें भय नहीं हो, एब्सेंस ऑफ फियर। अगर किसी में केवल भय नहीं हो तो उससे वो साहस ही नहीं बनता है। क्यों, क्या है, अभी भय ये बुरी चीज़ नहीं है, कभी कभी भय होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए कोई 10वीं मंजिल के खिड़की से कोई छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो अपना पूरा सिर बाहर झुका के देख रहा है, अगर मुझे कुछ डर नहीं लगता है, वह देख के उसके माँ को डर लगेगा, क्या कर रहा है, बाजू आ जा, दूर हो जाओ वहाँ से खिड़की से आप। तो क्या है, जो फियर है, जो जब कोई खतरा होता है तो भय लगना ये स्वाभाविक है। नॉट ओनली इज इट नेचुरल, इट इज ऑल्सो एसेंशियल। अगर जब कोई किसी को खतरा होता है तो फियर इज अ इंडिकेटर ऑफ डेंजर। किसी को भय नहीं लग रहा है तो वो जो है वह हमेशा अच्छी बात नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं, समझाते हैं हाउ टू ओवरकम योर फियर्स, हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल फियर। एक्चुअली हमें कभी हमारे सारे भयों से मुक्त होना अच्छा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरा फ्री ऑफ ऑल फियर है, वी शुड फियर सच ए पर्सन। अगर कोई व्यक्ति को किसी भी चीज़ का भय नहीं है तो हमें उस व्यक्ति का भय करना चाहिए। मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है और उसको वो कहता है कि मुझे एक्सीडेंट का भय नहीं है, उसको एक्सीडेंट का भय नहीं है तो बाकी सब लोगों को एक्सीडेंट का भय हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो लापरवाही से ड्राइविंग करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर हम फियर मैनेजमेंट कहते हैं, अगर हम हमारे भय का सामना करना चाहते हैं, तो एक है बींग फियरफुल। जब हम पूरे भयभीत हो जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, टू मच फियर, यहाँ पे भय बहुत ज़्यादा हो गया है। पर इसके विपरीत अगर फियरफुल का जो ऑपोजिट है वह फियरलेस नहीं है, वह क्या है, वह रेकलेस है। रेकलेस मतलब लापरवाह, मतलब क्या है, टू लिटिल फियर। ऐसी बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में हैं जो जिससे भय रखना ज़रूरी है। देयर आर हेल्दी फियर्स, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें माया का डर रहना चाहिए। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे खतरा आ सकता है, और खतरे में सीधा
भाग के जाना ये कोई साहस नहीं है, वो मूर्खता हो सकती है। तो इसमें बीच में क्या है, तो अगर हमको फियरलेस रहना है तो वी वॉन्ट टू बी फियरलेस प्लस केयरफुल। तो ऐसे नहीं कि फियरलेस जो है, फियरलेस शुड नॉट बी रेकलेस। भय से मुक्त का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति लापरवाह बन गया है। हमें भय से मुक्त रहना है पर हमें चौकन्ना भी रहना है। और ये कैसे आता है, रियल करेज कम्स नॉट बाय द एब्सेंस ऑफ फियर बट बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पर्पस बिगर देन फियर। कि जब कोई युद्ध करने जाता है तो जो कहता है प्रेजेंस ऑफ अ पर्पस बिगर देन फियर, कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य है, कुछ ध्येय है हमारा, और वह ध्येय इतना महत्वपूर्ण है कि भय लगेगा पर भय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मेरा यह उद्देश्य है। किसी को राष्ट्र से बहुत प्रेम है, राष्ट्र पे आक्रमण किया किसी शत्रु ने, तो अभी वो व्यक्ति रणभूमि में युद्ध करने जाता है तो क्या उसको भय नहीं होगा कि मेरा हाथ पैर टूट जाएगा। मेरे एक मित्र है, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, तो वो मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल के टूर में लेके गए थे, वहाँ पे मुझे कुछ हैड टू गिव अ क्लास ओवर देयर। तो बता रहे थे कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है कि वहाँ पे क्या कही गया था कि रणभूमि में होते हैं तो जब हम जन्म मृत्यु को सामने देखते हैं तो तब जन्म नहीं जीवन मृत्यु को सामने देखते हैं तो क्या होता, तभी भगवान की याद आती है। लोग बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं तो तभी लोग प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी के शत्रु का कोई बुलेट हो वो मुझे मिस करे, कोई बुलेट मुझे न लगे। पर अगर वो प्रेयर फुलफिल ना हो, कि प्रार्थना फुलफिल ना हो कि कोई बुलेट मुझे लगे नहीं, तो दूसरी प्रार्थना करते हैं कि बुलेट मुझे या तो हृदय में लग जाए, पेट में लग जाए, क्लीन वूंड टू किल मी, कि ऐसा वो ऐसा बुलेट लगे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पर वो बोलते हैं कि ये अस्पताल में वो लोग हैं जिनके दोनों प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई है, मतलब बुलेट मिस नहीं किया पर बुलेट डिड नॉट किल क्लीनली। तो अभी जब अभी कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, उसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, वो एक तरह से जिस प्रकार काम करता था पहले वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वास्तव में उसको साधारणतः से दुख होने ही वाला है, वो भयावह परिस्थिति है। जो बहुत फिट व्यक्ति है, एकदम पूरा अनफिट हो गया, बेडरिडन हो गया, तो उसको बहुत भयावह। तो भय न होना ये मूर्खता है। तो जब वो रणभूमि जाते हैं तो भय तो होता है, पर क्या है, भय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि राष्ट्र का संरक्षण, राष्ट्र प्रेम जो है, द प्रेजेंस ऑफ अ पर्पस बिगर देन फियर। तो मान लीजिए अगर हमारी चेतना है तो हमारी चेतना में भय होगा, या अगर हमारी चेतना है उसमें भय भी होगा, पर भय से बड़ा क्या होगा, हमारा उद्देश्य। तो ये जो है इस तरह से हमारे चेतना है। अभी आपके चेतना में अलग अलग चीज़ें हैं, आपके चेतना में शायद आप एक क्लास सुन रहे हैं, आपके चेतना में समय जा रहा है, मुझे दूसरे काम करने हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे करना है, वो भी चेतना में। अभी हमारी चेतना में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, अगर आपको आपको भूख ज़्यादा लग गई है तो फिर जो जो क्लास में सुन रहे हैं वो कम हो जाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा और भूख के ध्यान चला जाएगा। तो हमारी चेतना में अनेक चीज़ें होती है, पर कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो ये जो है, जो फियर है वो सब में होता है, पर उससे बड़ा क्या है, पर्पस है, उद्देश्य है। तो अभी वृत्रासुर क्या कर रहे हैं, वृत्रासुर इस तरह से डांट रहे हैं। वो पहले अपने ही असुरों को डांटते हैं, फिर बाद में वो देवताओं को डांटते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वृत्रासुर इज ट्राइंग टू रिमाइंड देम ऑफ अ पर्पस दैट विल रेज देम अबव फियर। तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर रणभूमि से भाग जाओगे तो तुम क्या मुंह दिखाओगे, तुम क्या ऐसी बेइज्जती चाहते हो, तुम इस प्रकार से कार्य करके क्या जीवन जियोगे, उसका क्या मतलब है। और ही कैसे शेक्सपियर ने कहा, हीरो डाइज वंस बट अ कॉवर्ड डाइज अ थाउजेंड टाइम्स। कि जो भगवद गीता में बताया गया है कि संभावित चाकीर्तिर मरणादिरिच्यते, कि जो व्यक्ति को आदर मिला है उसका अगर अनादर होता है तो अनादर या मृत्यु से बदतर होता है वो। उसी तरह से अगर किसी को आदर मिला है कि तुम इतने वीर हो, तुम इतने साहसी हो,
और अगर वो कायरता का कार्य करता है तो हर बार उनको कायरता की याद आती है तो क्या होता है उससे, वो मृत्यु के समान दर्द होता है वो। इसलिए अ कॉवर्ड डाइज अ थाउजेंड टाइम्स, जो डरपोक व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, वो हजार बार मरता है वो। तो इस तरह से वृत्रासुर बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध में मृत्यु बेहतर है आपको इस तरह से भाग जाने से। और जब वो नहीं सुनते हैं तो फिर वो क्या देख रहे, देवता है जो वो भाग रहे असुर उनको पीछे से आक्रमण कर रहे। अरे तुम भी अलग प्रकार के कायर हो। कैसे है कायर? क्या है कि दो चीजें हैं, एक है राइवल्स और दूसरा है एनिमीज। सो राइवल्स मतलब प्रतिस्पर्धी और एनिमीज मतलब शत्रु। अभी इन दोनों में फर्क है, कोई बोल सकता है इसमें फर्क क्या है? राइवल और एनिमी ये समान नहीं है। ओके, इज देयर अ डिफरेंस? हाउ मेनी ऑफ यू फील देयर इज अ डिफरेंस? हाउ मेनी ऑफ यू फील देयर इज नो डिफरेंस? हाउ मेनी ऑफ यू फील द डिफरेंस डजंट मेक एनी डिफरेंस? जो क्या फर्क है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या? इसको बात को बड़ा बना रहे हैं। तो यस बोलिए प्रो। या प्लीज लेट मान प्रो। फिर आप भाषांतर कर रहे हैं मेरे शब्दों का अर्थ, आपको शब्दों का अर्थ चाहिए, सही है? जैसे राइवल मतलब जैसे कंपटीशन जब होता है तो उसमें हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। देर इज नो हार्म फ्रॉम द अदर पार्टी, देर कैन बी हेल्दी कंपटीशन एंड इट कैन बी अ वेरी जोवियल वे। लेकिन देर इज अ राइवल ऑफ श्रीमती राधारानी चंद्रावली, सॉरी राइवल ऑफ श्रीमती राधारानी चंद्रावली, बट हियर एनिमी मींस दे वांट टू डिस्ट्रॉय। सो डिस्ट्रॉइंग नेचर इज नॉट इन राइवल। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो जो राइवल होते, अभी आप दोनों राइवल थे एक्सप्लेनेशन देने के लिए, एनिमी नहीं है आप। तो राइवल मतलब क्या है कि दे आर फाइटिंग फॉर सम गोल। अभी दोनों चाहते हैं, राधा रानी और चंद्रावल चाहते हैं कि दोनों वो कृष्ण को और पसंद करें, कृष्ण उनके साथ आ जाए, दोनों कृष्ण की प्राप्ति का उद्देश्य चाहते हैं। पर एनिमीज होते हैं, इट इज फाइटिंग, उनका जो गोल ही है टू डिस्ट्रॉय द अदर पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति है उसको मार डालना, उसका विनाश करना। अभी स्पोर्ट्स होता है, अभी कोई टेनिस मैच है, तो दोनों व्यक्ति है वो दूसरे को हराना चाहते हैं, वो राइवल्स है। पर वो नहीं जा, कोई टेनिस बीच में कोई टेनिस में हारने लग गया तो वो अपने गन निकाल के तो शूट नहीं करने वाला है, करना नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, एक जगह पे अभी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, पर क्रिकेट में ऐसे भी हॉरिबल और ट्रैजिक चीज़ें होते हैं, हॉरेबल चीज़ें होते हैं। तो एक जगह इंग्लैंड में एक मैच चल रहा था और एक बैट्समैन बैटिंग करने आ गया और वो बैट्समैन ने बॉल ऐसे मारा ऊपर और वो विकेट कीपर आ गया कैच लेने को। तो ये बैट्समैन इतना गुस्सा हो गया कि उसने बैट लेके वो विकेट कीपर का सिर ही फोड़ दिया। फिर उसको फॉर्चुनेटली विकेट कीपर सर्वाइव्ड, विकेट बच गया, पर उसको लाइफ लॉन्ग बैन कर दिया। बोले कि तुम में स्पोर्ट्स स्पिरिट है ही नहीं, आपको क्या है कि आपको आपके परफॉर्मेंस से जीतना है, आपको दूसरों का विनाश करके जीतना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जब पिछले प्राचीन समय में जो वॉर था, युद्ध था, वो एक तरह से स्पोर्ट्स के समान था। स्पोर्ट्स मतलब क्या है कि इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल, किसकी शक्ति अच्छी है, किसकी प्रतिभा अच्छी है। तो जैसे स्पोर्ट्स में कहते हैं मे द बेटर प्लेयर विन, जो और अच्छा प्लेयर है वो जीते, वो भाव होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भाव क्या है कि वृत्रासुर बता रहा है वो देवताओं को, ये तो भाग रहे हैं, ये जब भाग रहे हैं तुम जीत रहे हो, तो तुम जीत रहे हो तभी जो कोई युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है, जो मैच में है ही नहीं। क्रिकेट मैच चल रहा है और एक टीम बोलते हम हार गए और दूसरे टीम क्या करता है, वो बैट्समैन बोलता है ठीक है हम हार मान लेते हैं और बॉल लेके बैट्समैन को पीट रहा है, या बैट्समैन बैट लेके बॉलर को पीट रहा है। ठीक है, अभी मैच खत्म हो गया, मैं मैच खेलना ही नहीं चाहता हूँ। अगर मैच खेल नहीं रहा है कोई, तो उसको जाके अगर पीटते हैं तो वो क्रिकेट के धर्म के खिलाफ है,
अभी आप क्रिकेट, हर धर्म मतलब क्या है, द रूल्स दैट ब्रिंग हार्मनी. जिस तरह से हमें कार्य करना है वो उचित कार्य अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अधर्मिक है. तो एक तरह से असुर अधर्म कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, पर जो भाग रहे हैं उन पे आक्रमण करना यह भी अधर्म है. और वह अभी वित्रासुर देवताओं को बता रहे हैं, और यहाँ पे वो बड़े तीक्ष्ण शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब ये तीक्ष्ण शब्दों का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एक तरह से शब्दों के द्वारा उकसा कर व्यक्ति को कभी सही मार्ग पर ला जाता है. तो क्षत्रिय जो होते हैं वो एक तरह से, क्षत्रियों की प्रवृत्ति रजोगुण होता है क्षत्रियों में, तो इसीलिए रजोगुण होता है. तो क्या है, उसके कारण वह खुद की शक्ति का, खुद को शक्ति को बड़ा चढ़ा के बोलना और दूसरों का अपमान करना, यह एक तरह से उसमें स्वाभाविक है. अभी कुछ कुछ स्पोर्ट्स है, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं. कुछ कुछ स्पोर्ट्स में स्लेजिंग होता है. मतलब स्लेजिंग मतलब क्या है कि अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो विकेट कीपर पीछे से आके कुछ उसके उसके बारे में कुछ बुरा बोलेगा, उसके परिवार के बारे में कुछ बुरा बोलेगा, उसको उकसाने का प्रयास करेगा. तो अभी कुछ कुछ गेम्स का ऐसे होता है, स्पोर्ट होता है, उसमें स्लेजिंग चलता है. पर कुछ कुछ गेम्स है उसमें बिल्कुल नहीं चलता है. जैसे एक शब्द, अगर आप चेस प्ले कर रहे और चेस खेल रहा है कोई, और उस समय एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को स्लेज करने लगेगा तो तुरंत उसको बैन कर देंगे. तो क्या है, यहाँ पे जो वृत्रासुर जो है वह एक तरह से क्षत्रिय जो वॉर जो है, फाइटिंग जो है, ये स्पोर्ट है, उसमें जोखिम है, मृत्यु भी हो सकती है. पर क्षत्रिय लोग जानते हैं कि हम आत्मा हैं तो मृत्यु से इतना डरते नहीं है, वो मृत्यु से उनको स्वीकार होता है. तो वहाँ पे तीक्ष्ण शब्द बोल के वो उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, पर वहाँ पे वो रुक नहीं रहे हैं. तो उसके बाद में क्या होगा, अभी ये असुर को रोकने का प्रयास करता है वृत्रासुर, यशस्वी नहीं होता है. फिर देवताओं को रोकने का प्रयास करता है, उसमें भी यशस्वी नहीं होता है. तो फिर वृत्रासुर बोलता है, फॉरगेट इट, इफ नोबडी इज रेडी टू डू इट आई विल डू इट मायसेल्फ. कोई भी कुछ नहीं कर रहा है तो मैं खुद करने वाला हूँ. और फिर अकेला वृत्रासुर युद्ध करने लगता है, और फिर इतना ऐसा भयानक युद्ध करता है वह कि सारे देवताओं के सारे जो शक्तियां बिखर जाती है वो. और वह देख के जो असुर भाग रहे होते हैं वो मुड़के देख रहे, ये क्या हो गया, अरे हमारा सेनापति इतना शक्तिशाली है. तुरंत वो सब वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं, फिर उसको मत करने लगते हैं. और तभी इंद्र आता है, फिर ये सारी घटना आगे बढ़ती रहती है. पर वृत्रासुर क्या करते हैं कि वेन अदर्स आर नॉट रेडी टू हेल्प इन हिज पर्पस, ही इज रेडी टू परस्यू हिज पर्पस अलोन. जब वो अकेला पड़ जाता है, ठीक है मैं दूसरों पे निर्भर नहीं हूं, मैं खुद स्वयं करने के लिए तैयार हूं. तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही करते हैं. जब वो देखते हैं कि अभी गुरु महाराज को तो मिशन है और उनकी तो इच्छा होती है कि वो अपने गुरु महाराज के मिशन में ही प्रचार करें. जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो एक तरह से ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जी इस्कॉन नाम की कोई नया संस्था चालू करने का प्रयास उनका इच्छा थे. प्रभुपाद जी गौड़िया मठ के सदस्य थे एंड प्रभुपाद जी गौड़िया मठ का ही प्रचार करना चाहते थे. तो बेसिकली व्हेन प्रभुपाद जी ने अमेरिका में गए तो इट वाज लाइक अ ब्रांच ऑफ द गौड़िया मठ प्रभुपाद ने चालू किया था, उनका वही भाव था. पर क्या हुआ, गौड़िया मठ से उनको कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला और एक तरह से विरोध मिलने लगा उनको. तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे खुद ही अकेले करना है. तो व्हेन वी आर लेफ्ट अलोन, अभी हम कई बार कहते हैं कि हमें भक्तों का संग जरूरी है. हाँ बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, भक्तों के संग के बिना हम कार्य नहीं कर सकते हैं. पर कभी कभी ऐसे होता है कि भक्तों के संग में भी कभी कभी हम अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे होता है कि भक्त भी हमें शायद समझ नहीं पाएंगे कि अभी ऐसे, अभी जब ऐसे होता है तो हमें खुद अच्छे से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्या मैं गलत हूँ क्या. अगर अगर बहुत से भक्त मुझे बोल रहे हैं कि मैं, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, तो अधिकांश संभावना ये है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. तो हमें थोड़ा नम्रता से जांच करनी चाहिए. पर अगर अगर हम जो कर रहे हैं वो एक तरह से सही है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें हमें हमारी सेवा स्वयं करते रहने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए. कैसे है कि यहाँ पे जो अकेलापन होता है, अलग अलग प्रकार का अकेलापन होता है. एक है लोनलीनेस, जब होता है व्हेन वी आर फिजिकली अलोन,
हमारे पास साथ कोई है ही नहीं, तो वो एक प्रकार का अकेलापन होता है। पर उससे बड़ा जो अकेलापन होता है, या इससे जो बड़ा अकेलापन क्या होता है कि सराउंडेड बाय पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड अस, कि ऐसे लोग हैं जो हम चारों ओर है जो हमें समझ ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो समझ ही नहीं रहे। तो उस समय क्या करना है? उस समय साधारण भाव हो जाता है कि उनको कोसने लगते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं मुझे, मैं तो अच्छा कार्य करना चाहता, तुम ये समझते नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक संभावना होती है कि उस समय जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हम दूसरों का बुरा भला कहने लगते कि तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे, तुम मुझे क्यों समझ रहे, तुम मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। पर प्रभुपाद वृत्रासुर ऐसा नहीं करते, प्रभुपाद जी वैसा नहीं करते। प्रभुपाद जी क्या करते हैं, खुद अपनी सेवा करते रहते हैं, वृत्रासुर खुद युद्ध करते रहता है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका अकेले जाते हैं, अपनी सेवा करते रहे। प्रभुपाद जी अमेरिका में होते हैं तभी ऐसे नहीं कि सारे अपने शिष्यों को लेटर लिख रहे कि गौड़े मटके ये सन्यासी गुरु भाई कितने खराब है, कितने खराब है। नहीं, अगर हमें दूसरे भक्तों से, हमारे दूसरे आजू बाजू के लोग हैं, मित्र है, परिवार वाले हैं, भक्त है, उनसे सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उनसे समझ नहीं, वो हमें समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे नहीं। अगर पर हम अच्छी सेवा करना चाहते हैं तो उनको कोसना नहीं है, हम अपना कार्य करते रहना है। हम पहले समझाने का प्रयास कर सकते हैं जैसे वृत्रासुर ने किया, पर नहीं समझे तो खुद अपनी सेवा करते रहो। तो जब व्हेन वी फोकस ऑन आवर पर्पस, प्रभुपाद जी अपनी सेवा करते रहे तो पहले तो बहुत समस्या हुई, 1965 से 1966 एक साल जो था वो प्रभुपाद जी कई शिष्यों को बोलते थे कि मैं कितनी बार सोचा कि मुझे शायद बाहर चले जाना चाहिए वापस। प्रभुपाद जी को 2 महीने का पीरियड था, जैसे आप किसी देश में जाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए वीज़ा मिलता है। तो प्रभुपाद जी 2 महीने का वीज़ा मिला था अमेरिका जाने के लिए, तो 2 महीने के बाद प्रभुपाद जी को वापस जाना था। तो हर बार प्रभुपाद जी जब वो वीज़ा ऑफिस में जाते थे एक्सटेंशन लेने के लिए, प्रभुपाद जी का मन विचार था कि एक्सटेंशन लेना है या नहीं, कि एक्सटेंशन वो वीज़ा को बढ़ाना इतना आसान भी नहीं था, तो उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि मुझे ये करना है, वो करना है, अलग अलग कारण बताते पड़ते थे। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि ये एक्सटेंड करना है या नहीं, इसलिए जाना है वापस। पर हर बार प्रभुपाद जी बोलते थोड़ा और ट्राई कर लेते, थोड़ा और ट्राई कर लेते, और फिर भगवान की कृपा से 1966 से थोड़ा उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। और फिर इतना बड़ा रिस्पॉन्स हो गया कि बाद में खास 1968 में प्रभुपाद जी अपने अमेरिका से शिष्यों को लेके आए पहली बार। फिर 1970 में बड़े बस भर के, कई 3-4 बस भर के वो भक्त जो है वृंदावन लेके आए दिल्ली से, और तभी तो एक ऐसा सन्नाटा सेंसेशन हो गया वृंदावन में। और उसके बाद में अभी जो है कि पाश्चात्य लोग भी भक्त बन सकते, सारे विश्व भर में प्रचार हो सकता है। अभी यह जो है इसका जो प्रभुपाद जी ने आत्मविश्वास बहुत सारे जो गौड़िया मठ में लोग हैं उनको दे दिया है। अभी पाश्चात्य देशों में न केवल इस्कॉन प्रचार कर रहा है, बहुत से गौड़िया मठ वो भी प्रचार कर रहे हैं। और क्या है कि प्रभुपाद जी ने अपना धर्म वो करते रहे, दूसरों की निंदा नहीं करी उन्होंने, दूसरों को समझाने का प्रयास कर, नहीं समझे तो अपना धर्म करते रहो। तो उसी तरह से जब हम कुछ सेवा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है हमको, दूसरों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं, पर अगर वो नहीं समझ रहे तो उनको बुरा भलाने की जरूरत नहीं है, हम क्या अपनी सेवा करते रहो। अपनी सेवा करते रहेंगे तो टाइम विल रिवील, जो समय है वो बदलता है, और द सेम पर्सन इज मिसअंडरस्टूड वन डे कैन वेल बी वेल मे वेल बी वेल अंडरस्टूड द नेक्स्ट डे। जिसके बारे में आज लोग गलत फहमी है उस व्यक्ति को कल लोग समझ जाएंगे। तो अगर हम सेवा करते रहेंगे तो अभी कैसे हम सेवा करते रहेंगे, वृत्रासुर को एक तरह से अपना क्षत्रिय धर्म कर रहा था कि कुछ कोई रहे न रहे मुझे तो मेरा धर्म करना है। पर एक तरह से इससे क्या लेते वो आगे आगे जाएगा, और उससे क्योंकि वो अपना धर्म करता रहा तो फिर उसको बाद में जो भगवत चेतना जागृत हो जाती है, जो पार्वती देवी का जो शाप होता है वो शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। और जब मृत्यु के सामने आता है तभी वो अपना भौतिक धर्म कर रहा है, भौतिक धर्म मतलब अपने भौतिक स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय का धर्म कर रहा है बिना भय के प्रभाव में आकर। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो चेतना है मृत्यु के सामने आता है तो तभी भगवान की स्मृति आती है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महान भक्त थे वो उसकी एक तरह से जब पार्वती ने उनको शाप दिया तो शाप के कारण केवल उनको चित्रासुर को
केवल असुर का शरीर नहीं मिला था, वो तो मिला ही था, पर उसके साथ जो भक्ति की स्मृति थी वो चली गई थी। इसीलिए वो एक तरह असुर का समान कार्य कर रहा था। पर जब वृत्रासुर ने इंद्र के हाथ में जो विष्णु की योजना से बनाया हुआ शस्त्र देखा, तो जब अच्छा ये विष्णु से आया, तो वह देखकर मृत्यु सामने देखकर विष्णु का अस्त्र सामने देखकर अचानक विष्णु की स्मृति एकाएक आ गई। और फिर अगले अध्याय में देखे कैसे वो भगवान वो इंद्र को प्रोत्साहन देता है और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं वृत्रासुर। तो और फिर एक बड़े ही दिव्य भाव से वृत्रासुर अपना शरीर त्यागते हैं। तो जब हम अकेले हैं तो हमें अकेले भी क्यों ना हो, हमें हमारी सेवा करते रहनी चाहिए। तो एक उदाहरण के साथ मैं इसको अंत करूँगा। कैसे है कि जो एसोसिएशन जो संघ है और जो डिवोशन जो भक्ति है, इनमें क्या संबंध है? अ डिवोशन इज लाइक अ फ्लेम। फ्लेम मतलब वो ज्योति है, कैंडल की ज्योति है वो। अब छोटा सा अगर कैंडल होगा, छोटे से अगर उसमें कोई हवा आ जाएगी तो क्या होगा, हवा से वो बुझ जाएगी। तो तभी क्या है, तो जो एसोसिएशन क्या हो जाए एनवायरनमेंट है, तो तभी क्या करना, अगर हमारे छोटी ज्योति है तो हमें हवा से दूर रखना है, कोई हवा आ रही है उसको तो संरक्षित करना है। पर अगर वही डिवोशन अगर मान लीजिए जो विंड है, यहाँ पे एसोसिएशन में उल्टा एसोसिएशन बोल रहा हूँ, बैड एसोसिएशन मतलब हमको अच्छा संग नहीं मिल रहा है, मतलब हमें प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, हमें हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोई उत्साह नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, तभी क्या होगा, अगर असंग नहीं होगा तो वो जो संग का अभाव है या बुरा संग जो है, सो बैड एसोसिएशन और यू कैन पुट एब्सेंस ऑफ गुड एसोसिएशन, एक ही चीज़ है कि अच्छा संग नहीं है तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा, वो जो हमारी ज्योति है। अगर हम जल पहले पहले भक्ति में आ रहे हैं, संग नहीं है तो क्या होगा, हमारी भक्ति बुझ जाएगी। पर जब अगर हम सेवा करते रह रहे, कई सालों तक सेवा कर रहे हैं, हमारा दृढ़ संकल्प बढ़ गया है, तो हमारी जो भक्ति है वो दावाग्नि के समान होती है, फॉरेस्ट फायर। और जब विंड आता है, जब दावाग्नि है और उसमें हवा आती है, तो क्या होता है, वो दावाग्नि और बढ़ जाती है। तो जो महान भक्त होते हैं, जो बड़े धर्मनिष्ठ होते हैं, जो भक्ति में दृढ़ संकल्प होता है, जब उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको सहयोग नहीं मिलता है, तो उनकी भक्ति बुझ नहीं जाती है, क्या होता है, उनकी भक्ति और बढ़ जाती है। ठीक है, अभी मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है ये। तो जब ऐसा भाव होता है तो क्या होता है, हमारा जो भगवान से संबंध है वो और पर्सनल बन जाता है। ऐसे नहीं कि हम दूसरे भक्तों से इम्पर्सनल हो रहे हैं, दूसरे भक्तों को महत्व नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं है, पर यह सेवा यह मेरा ऑफरिंग है भगवान के लिए और मैं ये करने का पूरा प्रयास करूँगा। इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो न केवल हमारी भक्ति में वृद्धि होगी, पर धीरे धीरे दूसरे लोग भी देखेंगे, दूसरे भक्त भी देखेंगे और दूसरे भक्त भी धीरे धीरे सराहना करेंगे। तो इसलिए तो अभी हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जो भक्ति है, हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए मेरी भक्ति फॉरेस्ट फायर के समान है कि दूसरे भक्त नहीं समझ रहे तो मैं भी अपनी भक्ति करते रहूँगा। नहीं, हमें नम्रता रखनी है और हमें पता नहीं हमारी भक्ति कैसी, शायद हमारी भक्ति एक मेम की ज्योति के समान है, भक्तों का संग नहीं होगा, भक्तों का सपोर्ट नहीं होगा तो बुझ जाएगी वो। तो हमें नम्रता रखनी है, बट नम्रता के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी रखना है। दृढ़ संकल्प से जब हम सेवा करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो हमारा भगवान से संबंध बढ़ेगा। सो डिटर्मिंड डिवोशन, जब हम भक्ति के साथ दृढ़ संकल्प के साथ जब हम सेवा करते रहेंगे तो एक तरह से डिवोशन बढ़ जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा व्यक्तिगत संबंध भगवान से बढ़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी क्या होगी कि हमारा एसोसिएशन जो है, संघ है, उसमें भी हमको एप्रिसिएशन मिलेगा। जब कोई देखते हैं कि अच्छा आप सेवा कर रहे हो, सेवा करते जा रहे हो, काफ़ी समय से सेवा कर रहे हो, तो जो भी वक्त कुछ अलग गलत फहमी है या अलग उनकी संकल्पना है, वो संकल्पना चली जाएगी। तो हमें
कभी भी कुछ भी हो जाए भगवान की सेवा नहीं छोड़नी है, पलायन परा नहीं बनना है हमें। हमारी जो सेवा है वह विथ और विदाउट सपोर्ट हमें करते रहनी है, पर ऐसे नहीं कार्य करना है कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे और जानबूझ के सपोर्ट छोड़ देंगे। पर अगर ऐसे हो जाता है, प्रभुपाद जी के जीवन में हुआ, कई प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन में हुआ, और दृढ़ संकल्प से सेवा करते रहे और फिर जो है भगवान ने उनको दिखा दिया, भगवान ने उनकी प्रामाणिकता दुनिया को दिखा दी, भगवान ने उनकी भक्ति और बढ़ा दी, और फिर दुनिया में इतने सारे जगह पर इतने सारे भक्तों ने महान सेवा करने के सेवा करके उसका जो प्रतीक है वो प्रकट किया हुआ है। तो सारांश में आज मैं चर्चा की किस तरह से टॉपिक था कि कैसे जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखा कैसे कि ये जब युद्ध चल रहा है तो धर्म का अर्थ क्या है कि एक्शन दैट कीप्स अस इन हार्मनी, ऐसा कार्य जो हमें हार्मनी में रखता है। तो उसके बारे में रोड ट्रांसपोर्ट का मैंने वो एग्जांपल देखा, हम रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कहता है देखा कि धर्म जो है असुर लोगों का भी धर्म होता है, धर्म फॉर डीमंस, जैसे शराबी लोग भी होते हैं तो ऐसे नहीं कि जो सब शराबी लोग शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, उनको भी धर्म कुछ संकल्पना होती है। तो हम देखा कैसे असुर भी है, पर अगर आप असुर भी हो पर आप युद्ध करते हो तो कायरता से भागो मत, आप क्या है कि आप साहस रखो। और फिर उसके संबंध में देखा कि कैसे है फियर मैनेजमेंट जो है, कैसे है कि अगर मृत्यु भय को भय से सामना करना है तो उसे टू मच नहीं चाहिए, उससे हम भयभीत हो जाएंगे, फियरफुल हो जाएंगे, पर टू लिटिल भी नहीं चाहिए हमको, बहुत कम हो गया तो क्या होगा, हम लापरवाह हो जाएंगे। तो उससे क्या करना चाहिए, उसके बीच में आने के लिए अ पर्पस बिगर देन फियर, कि जो मुझे ये मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ वह देखना है, अ पर्पस बिगर देन फियर। तो अभी उत्तरासुर क्या कर रहे हैं, वो पर्पस को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे है कि आप असुर को बता रहे हैं कि तुम क्या मुंह दिखाओगे अगर तुम भाग जाओगे इस तरह से। और उस संबंध में अभी पर्पस जो था बिगर देन फियर उसके संबंध में देखा कि कैसे वॉर वॉज लाइक स्पोर्ट्स, कि मतलब क्या है, स्पोर्ट्स में दूसरों को जो लोग ऑल दो युद्ध कर रहे हैं वो जो है आइडियली राइवल्स है, एनिमीज नहीं है, एनिमी मतलब किसी भी तरह शत्रु है तो क्या किसी भी तरह उसका दूसरों को विनाश कर दो। वैसे क्रिकेट में ऐसे नहीं है कि बैट्समैन को नॉट आउट रहना है इसलिए वो जो फील्डर कैच कर रहा है उसका सिर फोड़ दे। तो उसी तरह से जो भाग रहे हैं उन पे पीछे से आक्रमण करना मतलब क्या है, ये वॉरियर स्पिरिट नहीं है। तो वो पहले असुरों को धर्म का याद दिलाते हैं, फिर वो देवताओं को धर्म का याद दिलाते हैं, तो पर वो भी नहीं सुनते। तो फिर आखिरी पॉइंट देखा वो ही फाइट्स अलोन। तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प का मतलब क्या है कि रेडी टू डू इट अलोन, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे अकेला ही करना है, और ऐसे नहीं है कि हम दूसरे लोगों को जानबूझ के उनको नाराज कर दे और फिर हमको खुद अकेला करना पड़े। पर कभी कभी ऐसे होता है कि दूसरे लोग हमें समझ नहीं पाते, सहयोग नहीं देते हैं, तो दृढ़ संकल्प मतलब हमें खुद अकेले करने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के साथ कृष्ण भावना का प्रचार करने का प्रयास किया, पर जब वो नहीं सहयोग से हो पाया तो वो खुद करने के लिए भी तैयार थे। और जब इस तरह से हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो भक्ति है उसमें वृद्धि होती है। जब भक्त अनुभव के साथ नम्रता के साथ सेवा करते रहता है तो वो उनकी जो भक्ति है, जो डिवोशन होता है, वो किस तरह से होता है, एक फॉरेस्ट फायर के समान होता है। पहले हमारा जो यह है वो एक कैंडल की ज्योति के समान है, पर बाद में वो एक दावाग्नि समान बनता है। तो जब वो दावाग्नि के समान होता है तो उस समय वो व्यक्ति अकेले भी भक्ति करते रह सकता है। तो हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है अगर दूसरे हमें मदद नहीं करते हैं, पर हमारी सेवा करते रहिए, उससे हमारी भक्ति की वृद्धि होगी और धीरे धीरे जो हमारी सेवा का प्रकट रूप आएगा तो दूसरे लोग भी समझेंगे और फिर सराहा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आई हैव वन क्वेश्चन प्रभु जी, कैन वी व्हेन कैन यू हैव वन क्वेश्चन प्रभु जी, हाउ कैन पर्सन कैन बी अ गुड सिम्बियंट, गुड सिम्बियंट, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप,
can maintain a good symbiosis, symbiotic relationship, sahajeevi. Okay. When individualism is prevailing everywhere, so how can one be a good symbiont when individualism is prevalent everywhere? कि कैसे हम सहयोग से रह सकते हैं जबकि individualism बहुत बढ़ रहा है आजकल? Because as an institution, we see there are many resourceful individuals who are trying to contribute to the society. At the same time, we see they may not much contribute to society because of some kind of lacking in symbiotic relationship between the personalities. If सहयोग का भाव नहीं है तो फिर व्यक्ति व्यक्ति खुद कुछ कुछ कार्य करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो अभी कैसे है कि the purpose of the guru is not to make the disciple dependent on the guru. The purpose of the guru is to make the disciple independent, independently thoughtful. Guru ka uddeshya nahi hai. Abhi shishya ka hamesha bhav rehta hai ki main mere guru pe nirbhar hu. Par guru ka ye uddeshya ho jaye ki mere shishya ko mujh pe nirbhar bana de. Zindagi par mujh pe nirbhar rakhe. Aise kaise hai ki chote abhi parenting hai. Jab chota bachcha hota hai to bachcha apne mata pita pe nirbhar hota hai. और अगर अभी छोटा बच्चा बोलता है कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं यहाँ ये करूंगा, मुझे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको उसकी निर्भरता की याद दिलाना ज़रूरी है. पर अगर छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होके फिर भी वो अपने माता पिता पे निर्भर रह रहा है, तो मतलब वो कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, अपने माता पिता के ही पर ही निर्भर रह रहा है. और अगर माता पिता वो फैसिलिटेट करते तो वो अच्छा नहीं है. क्या है कि माता पिता को ये एक तरह से पुश करना चाहिए कि यू शुड स्टैंड ऑन योर फीट, तुम खुद जिम्मेदार बन जाओ. तो अमेरिका किस तरह से, अमेरिका भी एक तरह से दो देशों में विभाजित हो गया है, नहीं पूरी तरह से नहीं हुआ, पर डेमोक्रेट कुछ है, रिपब्लिकन कुछ है, तो दोनों के विचारधारा काफ़ी अलग है. तो जो कुछ अमेरिका के भाग है वहाँ पर वेलफेयर बहुत होता है. मतलब अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कि अगर आपको आपके चाहिए जैसे नौकरी नहीं मिली है, तो सरकार आपको पैसा दे देगा और आप तब तक सरकार पर निर्भर रह सकते जब तक आपको जैसे चाहिए वैसे नौकरी नहीं मिलेगी. वैसे अभी इतना नहीं है पर उस समान है. तो कभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के घर में ही बेसमेंट में रहते हैं और कुछ नौकरी नहीं कर रहे, कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहे. तो अमेरिका में अभी ऐसे ट्रेंड हो गया है कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम को मेरे घर में रहना, तुमको मुझे रेंट भरना चाहिए. अभी ऐसे नहीं कि माता पिता का अपने बच्चों से प्रेम नहीं है. और एक तरह से फैमिली साथ में रहेगा तो अच्छा है, पर फैमिली साथ में रहना इसका मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर रहे. एवरीबडी हैज़ टू बियर देयर ओन वेट. सबको जिम्मेदारी लेना ज़रूरी है. तो क्या है कि वह जो माता पिता का संबंध है कि द पेरेंट्स शुड नॉट कीप द चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एवर. पेरेंट का माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा अपने निर्भर नहीं रखना चाहिए. उसी तरह से गुरु जो है बच्चों का हमेशा माता पिता के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अ सेंस ऑफ एंड द फैक्ट ऑफ पावरलेस डिपेंडेंस, कि शक्तिहीन निर्भरता, मतलब तुम्हारे बिना मैं कुछ कर ही सकता. वो भाव अंदर से हो सकता है पर बाह्य रूप से व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना जरूरी है. प्रभुपाद जी अंतरंग भाव से अपने गुरु महाराज पे पूर्ण से निर्भर थे, पर बाह्य रूप से उनके गुरु महाराज से उनको कुछ भी नहीं मिला. उनको एक पैसा सपोर्ट प्रचिंग के लिए सपोर्ट नहीं मिला, उनको कुछ भी, एक मंदिर, एक फॉलोअर, कुछ भी नहीं मिला. और प्रभुपाद जी खुद उन्होंने सब कुछ निर्माण किया. सो मेरा पॉइंट यह है कि एक तरह से जो पेरेंटिंग का जैसे रिलेशनशिप होता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब यह है कि दोनों में अच्छा संबंध हो, इस तरह संबंध के दोनों का विकास हो. तो उसमें वो द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप हैज़ टू चेंज ओवर टाइम. संबंध का जो स्वरूप है वो बदलना ज़रूरी है. जो बच्चा बचपन में माता पिता पे निर्भर होता है वो उससे क्या होता है, माता पिता जिम्मेदार है तो वो खुद समझता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है, वो जिम्मेदारी क्या है समझता है, और फिर बाद में उसको जिम्मेदार होना चाहिए. माता पिता ने ही अपने बच्चों को स्वतंत्रता देनी जरूरी है. तो उसी तरह से क्या है कि
तो हर व्यक्ति में और जो भी संस्था है उसमें संबंध है, वो संबंध किस स्टेज में है वो समझना जरूरी है, और उसके अनुसार उस संबंध का स्वरूप होना उचित है। तो अगर बच्चा सोचता है, बच्चा 5 साल का सोचता है मैं 25 साल का हूँ, तो फिर माता पिता उसे याद रह जाएंगे अभी आप 5 साल के हो, पर बच्चा 25 साल का है और माता पिता से ऐसा व्यवहार करे तो वो 5 साल का है, तो बच्चे को माता पिता को याद दिलाना पड़ेगा मैं अभी 25 साल का हूँ, 5 साल का नहीं हूँ अभी। तो क्या है, जो अच्छे संबंध के लिए द नेचर ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज दैट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कीप्स चेंजिंग। अच्छा संबंध का भाव क्या है कि हम सब लोग बदल रहे हैं। क्या मैं जो 10 साल का, आप 10 साल पहले जो ऐसे थे, आप चाहे 10 साल से 15 साल से भक्ति भी कर रहे हैं, पर 10 साल से पहले जो आप थे वैसे आप एग्जैक्टली सेम नहीं रहते। सो द नेचर ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप कीप्स चेंजिंग फॉर द गुड। दोनों के लिए कैसे उनका कल्याण हो सकता है उसके लिए, तो इसलिए अच्छी तरह से डिस्कशन होना चाहिए, गुह्यम आप क्या थे पृच्छते होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो फिर उससे वो जो हेल्दी रिलेशनशिप अच्छा संबंध रह सकता है, और दोनों संस्था का भी विकास हो सकता है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति भी अपना अपनी सेवा करते रह सकता है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। When you stand at a point where you completely turn around and walk against the wind, like just the way you said when Prabhupada ji decided to do it alone, that particular moment, point, and when you start walking opposite the wind, there is a lot of things which you deal within yourself, which comes from inside. I mean, there is a lot of negative feelings, so I mean the feeling of failure, or the feeling of if I am doing is right, completely right or not, if I am deluded by what decisions I have took. I mean, there is a lot of thing. It's not that easy. I mean, I faced that once. So how to exactly deal with those things? तो जब अकेले कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी नकारात्मक भाव होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, सही है वो। तो इसीलिए इसमें भी जब हम इंडिपेंडेंस होता है, जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। एक है नो डिपेंडेंस, मतलब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, व्यवहारिक से मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। पर दूसरा है ओपन डिफायंस। ओपन डिफायंस मतलब तुमने जो बोला है मैं बिल्कुल उसका विरुद्ध करने वाला हूं, अब मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करूंगा। तो ऐसा भाव साधारणतः हमें नहीं होना चाहिए। ओपन डिफायंस जो है, जो हमको बोला गया है तुम बिल्कुल नहीं करना चाहिए वही करना, तो शुड अवॉइड दैट जनरली। पर नो डिपेंडेंस मतलब क्या है कि मैं ये सेवा करने के लिए तुमसे व्यवहारिक स्तर पे कुछ नहीं चाहता हूँ। तो साधारणतया क्या है कि हमको दो चीज़ें हैं कि एक है फ्रीडम, वो फ्रीडम है स्वतंत्रता, और दूसरा है फैसिलिटी, तो है सुविधा। तो ये दोनों एक साथ किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आपको स्वतंत्रता चाहिए तो सुविधा नहीं मिलेगी। तो किसी को कुछ लोग तो चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये सुविधा चाहिए सेवा करने के लिए, ठीक है तो स्वतंत्रता को कम करते हैं, मुझे स्वतंत्रता चाहिए तो सुविधा नहीं मिलेगी। तो अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये दोनों हमको समान मात्रा में साथ में नहीं मिलने वाला है, तो हमें चूज़ करना है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, तो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता ज़्यादा चाहिए। फिर स्वतंत्रता मतलब ये नहीं है कि हम जब स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण को छोड़ के नहीं जा रहे, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस ऑफ हाउ टू सर्व कृष्णा, कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहता हूँ यह मुझे खुद विचार करना है, अब मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है। और साधारणतः कैसे है, जब हम सेवा कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि पूरा सब कुछ छोड़ना है, कैन स्टार्ट समथिंग स्मॉल। ठीक है, मुझे मेरे वरिष्ठ भक्तों जो अथॉरिटी है, जो संस्था है, उन्होंने ये सेवा दी है तो वो सेवा करूंगा मैं, उसके साथ साथ थोड़ी सी ये भी सेवा ट्राई करता हूँ, कुछ समय इसके लेता हूँ,
अगर वो अच्छी चलती है तो फिर उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे सकते हैं. तो वी डजंट हैव टू बी ओपन डिफायंस दूसरों को. तो नकारात्मक भाव कब आता है? अधिकांश रूप से अगर हम ओपन डिफायंस कर रहे हैं, पूरा तरह से ठुकरा रहे हैं किसी को, पर वैसे नहीं कर रहे, ठीक है मुझे ये प्रेरणा है, ये करना है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ. तो प्रभुपाद जी ने एक बार एक पॉलिटिकल पार्टी चालू की थी, अपने शिष्य को चालू करने बोलते इन गॉड वी ट्रस्ट. तो वो वक्त बहुत प्रचार अच्छे से वो बहुत एंथुजियास्टिकली कर रहे थे. एक प्रभु बलवंत प्रभु से मिला मैं अमेरिका में, और एक प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट बनोगे, यू कैन बिकम तुम बन सकते हो. तो पर बाद में क्या हुआ, प्रभुपाद जी पहले बहुत उत्साहित थे, पर बाद में उनको देखा कि केवल आपको आजकल का पॉलिटिक्स ऐसा है कि सिर्फ आप अच्छे भाषण दे सकते हो उतना पर्याप्त नहीं है, आपको पूरा एक पॉलिटिकल मशीनरी चाहिए, पूरी यंत्रणा चाहिए, और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत प्रमोशन करना पड़ता है. तो फिर प्रभुपाद जी को बोले कि जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हो गए धनराशि आ रही थी प्रोजेक्ट, वो तो हमको मंदिर बनाना है और बुक्स प्रिंट करना है, हमें भक्ति का प्रचार करना है. तो फिर बलवंत प्रभु प्रभुपाद जी से मिलने गए. प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी क्या आप ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए एंथुजियास्टिक नहीं हो अभी? ये अमेरिका में था. प्रभुपाद जी, आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, जस्ट डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी. कि मैं उत्साही हूँ, पर तुम मुझसे आर्थिक सपोर्ट की अपेक्षा मत करो तुम. क्यों? क्योंकि जो था, अगर हमें जो एक तरह से पॉलिटिक्स में जाके प्रचार हो सकता है, पर वो बहुत इनडायरेक्ट है. अगर वही धनराशि हम मंदिर बनाते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, ग्रंथ छापते हैं, उससे और चेतना बढ़ सकती है. तो प्रभुपाद जी बोले नो डिपेंड्स, अगर तुम्हें करना है तुम खुद करने का प्रयास करो. तो वो तो हो नहीं पाया, बट प्रभुपाद डिडंट स्टॉप दैट, प्रभुपाद डिडंट बैन देम फ्रॉम डूइंग दैट, कि तुम मुझसे सपोर्ट मत लो. तो वैसे भी हो सकता है कि जो हमारे अथॉरिटीज़ है, जो लीडर्स है, उनकी कुछ प्रेरणा होती है, उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं कि हम जो हमारी सामग्री है, हमारे रिसोर्सेज है, यहाँ पर डालना चाहते हैं. तो अगर तुमको ये हम रिसोर्सेज दे सकते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमको दबोचना चाहते हैं. तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट एज एक्टिव अपोजिशन. दोनों अलग चीज़ें हैं. कि जब हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसका मतलब नहीं है कि वो कोई व्यक्ति हमको विरोध कर रहा है, वो दो अलग चीज़ें हैं. ओके, थैंक यू. इला माता जी, कोई सवाल है? प्रभु जी, आसपास में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अधर्म हो रहा है, काफ़ी गलत चीज़ें हो रही है, तो हमारा व्यक्तिगत धर्म क्या है? काफ़ी अधर्म हो रहा है मतलब क्या कहना चाहते हैं? गलत चीज़ें हो रही है, या जो भी है, गलत काम हो रहा है या अधर्म हो रहे हैं सब अभी कलयुग में, तो हमारा व्यक्तिगत क्या धर्म होना चाहिए? देखिए, हमारी क्या सोच होनी चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, अधर्म हमेशा रहा है, ये कलयुग का लक्षण नहीं है. प्रभु श्री रामचंद्र जब वनवास में थे, वो रामटेक की जगह पे आए, वहाँ पे क्या देखा उन्होंने? वहाँ पे देखा कि ऐसे मानवीय हड्डियों का एक से हिल पहाड़ जैसे बन गया है. और क्या था? वो असुरों ने ऋषि मुनियों को खा के उनके जो हड्डियाँ थे वहाँ पे रख दी थी. वैसे तो आज नहीं हो रहा है ना? तो ये क्या है कि जो मन होता है वो हमें जो हमारा मन जो होता है हमेशा बोलता है कि द वर्ल्ड वॉज नेवर एज बैड एज इट इज नाउ. दुनिया कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है. और ये बहुत फनी चीज़ है. अगर मेरे एक मित्र है, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग में PhD किए, किस तरह से न्यूज़ का रिपोर्ट होता है उसमें PhD किया. देखते हैं कि अगर आप 2015 में देखो तो न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं कि अभी विश्व पूरा अंत पे आ रहा है. अगर आप 2000 में देखो, अभी विश्व अंत में आ रहा है. 1975 में देखो, विश्व अंत में आ रहा है, पूरा विनाश होने वाला है. तो ये जो है कि दुनिया में बहुत गलत चल रहा है, ये तो हमेशा चलते आ रहा है, ये दुनिया का स्वभाव ही है. तो इसीलिए दुनिया में गलत चल रहा है उससे देख के हमें हताश नहीं होना है. वैसे वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट. पर मैं क्या कर सकता हूँ? दुनिया में अंधेरा है अभी, ज़रूर हो सकता है कि अंधेरा कुछ समय से ज़्यादा हो, तो ये सही हो सकता है. पर अंधेरा हमेशा दुनिया में होता है. पर हमें देखना है कि मैं क्या रोशनी जला सकता हूँ. वी कैन नॉट इरेडिकेट द डार्कनेस, बट वी कैन लाइट वन कैंडल.
तो मैं थोड़ी सी रोशनी लगा सकता हूँ, और अल्टीमेट कैंडल इज द कैंडल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑफ द डिजायर टू सर्व कृष्णा, कि जब हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, तो भगवान की सेवा करना मतलब क्या है, अंतरंग रूप से हम खुद को शुद्ध कर रहे हैं, पर बाह्य रूप से भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके कल्याण का चाहते हैं, तो हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की चेतना बढ़ाने में मदद करते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, तो उससे सारी दुनिया की रोशनी नहीं हम मतलब दुनिया का अंधकार भले ही ना हमने मिटा सके, पर हमारे दुनिया के छोटे से कोने में थोड़ी सी रोशनी ला सकते हैं, और हमारी क्षमता के अनुसार जो रोशनी लाना वह हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा धर्म क्या है, टू लाइट आवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे दुनिया के कोने में जहाँ पे जो भी चल रहा है वह थोड़ी सी रोशनी और लाए दे। हम क्या सोचते हैं हमेशा, अगर मुझे धर्म करना है तो मुझे अभी इतना सारा अधर्म है, धर्म प्रस्थापना करनी है, तो क्या करते हैं, वी सीक अ बिगर रोल, कि मुझे और बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, तो अगर मेरे पास और पैसा आ जाएगा, मेरे पास और अनुयायी आ जाएंगे, मेरे पास और सामग्री आ जाएगी, तो फिर उससे मैं और धर्म का प्रस्थापना कर सकता हूँ, वो हो सकता है, बट भले ये होगा कि नहीं हो, तो इंस्टेड प्ले आवर रोल बेटर, कि मेरी जो अभी की भूमिका है मैं उसको अभी कैसे और अच्छी तरह से कर सकता हूँ, जो मेरी अभी की सेवा है, हम सब मेरे अभी के अभी जो कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, जब हम चाहते हैं कि मुझे और बड़ी भूमिका मिल जाए, तो इससे क्या होता है, इससे एक तरह से वी स्टार्ट फीलिंग पावरलेस, मुझे और बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी, मैं क्या कर सकता हूँ, पर प्रभुपाद जी ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे यू नो मेरे कोई गुड़ी भाई उनके एक मठ का मठाधिपति बना दे मुझे, ताकि फिर मैं उसको मठ को लीड करूंगा और वहां पे प्रचार करूंगा, नहीं, अगर नहीं हुआ तो मुझे बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा था पहले, मैं प्रचार करते रहूँगा और इसी से करने का प्रयास करूँ, नई जगह पर प्रचार करूँगा, तो इफ वी जस्ट सीक टू प्ले आवर रोल बेटर देन वी फील एम्पावर्ड इवन नाउ, देखता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो हमारा जो हम जो परिस्थिति में है, जो हमारी भूमिका है, हमारी भूमिका हमारे परिवार में हो सकती है, हमारे भक्ति समुदाय में हो सकती है, हमारे प्रचार की सेवा हो सकती है, जो हमारी सेवा है अच्छी तरह से करने का प्रयास करो और अच्छी तरह से, और अगर भगवान देख रहे हैं, इफ वी प्ले आवर प्रेजेंट रोल बेटर गॉड विल गिव अस अ बिगर रोल लेटर, सो प्ले आवर प्रेजेंट रोल बेटर, और फिर क्या होगा, अभी प्ले हमारी जो अभी अच्छी तरह और करो, एंड गॉड विल गिव अस, भगवान गुरु जो है गिव अस अ बिगर रोल, उनको देंगे लेटर, भविष्य में देंगे, पर अभी मैं सोचता हूँ कि आई वॉन्ट अ बिगर रोल नाउ, तो हम न तो हमको हम भविष्य में कुछ भविष्य हम अभी कुछ नहीं करेंगे और भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सेवा भाव मतलब क्या है, कि जो भूमिका मुझे मिली है अभी उसको स्वीकार करें और उसको जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें, कि ये है सर्विस एटीट्यूड। तो प्रभुपाद जी के पास कोई नहीं था तो वो अकेला प्रचार कर रहे थे, जब कोई नहीं था तो खुद भगवत दर्शन वितरण करने का प्रयास करते, जब उनके शिष्य अनुयायी आ गए तो उनके द्वारा वो ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, उनके द्वारा वो प्रचार करने लग गए, तो कृष्णा गेव हिम बिगर रोल लेटर, तो वही भगवान हमारे साथ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रणाम। हरे कृष्णा। आई एम हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र को धन्यवाद देते हैं, प्रभु अच्छी तरह से हमें वृत्रासुर पूर्वज के जो कोऑर्डिनेशन दिखाया, कैसे वो वृत्रासुर अकेले थे तो भी उन्होंने युद्ध किया और दूसरों को इंस्पायर किया, देवताओं को और डीमंस को दोनों को, और यहाँ शिल प्रभुपाद जी जो अकेले थे उन्होंने हम सबको इंस्पायर किया उनके मिशन में आगे बढ़ने के लिए, तो प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं हम जोर से एक बार। हरे कृष्णा मंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु की जय। प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।
गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद।